गुड मॉर्निंग क्लास. सो बेटा, यू एंजॉयड दिवाली फेस्टिवल सीजन. अभी एंजॉय कर लिया हमने, अब हम स्टडी को फिर से स्टार्ट करते हैं. सो फॉर दैट चैप्टर फिफ्थ चल रहा है हमारा मैथ्स में. फिफ्थ चैप्टर चल रहा है तो जिसमें हमको एक्सरसाइज 5.1 हमने सॉल्व कर ली है और अब हम करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2. सो टेक आउट पेज नंबर 57 एंड लेट्स सी. अब 52 इसमें बेटा क्या करना है, केवल हमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. दिख रहा है आपको मैच द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करना है और जो करेक्ट नंबर है उसको उससे मैच कर देना है. ठीक है, और सेकंड भी मल्टीप्लाई है और आई होप आपने टेबल लर्न कर ली होगी. नहीं की है तो जल्दी से कर लो. ओके, लेट्स सी बेटा, दैट इज पेज नंबर 57. अब 57 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें मैच द फॉलोइंग. तो क्या करना है, नॉर्मली इसमें मल्टीप्लाई करना है और जो भी करेक्ट आंसर होगा उससे मैच कर देना है. तो ये तो आपको आता है तो ये आप खुद करेंगे. ठीक है, पेंसिल से मैच करना है. चलो एक सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा करें. लास्ट वाला कर लेते हैं. 1471 इज़ माई रफ कॉपी. अब आपको भी ऐसे आपकी रफ कॉपी में सॉल्व करना है, उसके बाद बुक में पेंसिल से टिक करना है. 6 1 6 6 7 42. तो 42 का 2 तो यहीं रह जाएगा, 2 यहीं रह गया और 4 कहाँ चला गया, कैरी में भेज देते हैं. फिर 6 4 24 25 26 27 28 28 28 का 8 तो यहीं रह जाएगा और 2 आगे भेज देते हैं कैरी. 6 1 6 7 और 8. तो आंसर क्या आ गया आपका, 8826 8826 दिखाई दे रहा है बेटा कहीं. यस, कहाँ पर है 8826 का है लास्ट वाले का 8000, ये रहा. ऐसे मैच करना है आपको. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. कैसे करोगे, ऐसे ही करना है बेटा. एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें. ठीक है, 134 में 4 का, चलो साथ में मल्टीप्लाई करते हैं. 4 4 16 16 16 यहाँ रहा, 1 हमने भेज दिया कैरी. ओके, 4 3 12 12 + 1 13 13 का 3 1 भेज दिया कैरी. 4 1 4 और 1 5. इस मैनर में ये मल्टीप्लिकेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज H1. ठीक है, H वाला देखते हैं हम. 1518 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 3 से. चलो देखते हैं, या तो 3 की टेबल 8 टाइम्स बोल दो या तो 8 की टेबल 3 टाइम्स बोल दो. 3 8 और 8 3 कितना होगा, 24. 24 का 4 यहाँ गया और 24 2 ऊपर आ गया. 3 1 3 या 1 की टेबल 3 टाइम या इसकी टेबल इतनी बार. 3 1 3 3 + 2 5. फिर 3 की टेबल 5 टाइम्स बोलो या 5 की टेबल 3 टाइम्स बोलो. 3 5 15. 1 5 15 का 5 1 कैरी. 3 1 3 और 1 4. ओके, इस मैनर में आपको मल्टीप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट वन, अब बेटा बी वाला भी कर लेते हैं. इसमें 0 है तो 0 को देख लेते हैं. 4 5 या 5 4 20. 2 0 0 का 2 0 और 20 का 2 ऊपर गया. अब 5 का टेबल 0, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0. और 0 में 2 प्लस करो, 0 में 2 प्लस करो. 0 में 2 प्लस किया तो 2 एंड 5 1 5. ओके, एंड रेस्ट क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ दिस यू हैव टू डू. ओके, ये बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. किसमें करोगे बेटा, रफ कॉपी में. फेयर में नहीं करना है. किसमें करना है, रफ में करना है बेटा. ये आपको रफ में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है. एक बार और मल्टीप्लाई का, एक बार और रिविजन कर लेते हैं. मल्टीप्लाई 6 568 by 4. ओके, 1 10 100. इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई कर रहे बेटा, 4 से. 4 8 32. 2 यहाँ रहा, 3 को कैरी रखा है, वो माइंड में आपको रखना है. ठीक है, फिर 6 4 या 4 6 24 24 प्लस हमने, हमारे पास 3 भी था तो कितना हो जाएगा, 24 25 20 27. तो 27 का 7 यहाँ है और 2 हमें, हमारे पास इधर गया है. नाउ 4 5 20 20 + 2 22. ओके, तो इस मैनर में हमको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है बेटा.